नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूँ राजेश शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, 28वें दिन डीपीआई में डटे रहे शिवपुर आगर मालवा जिले के अतिथि शिक्षक। नहीं हो रहा है उनकी मांगों का निराकरण। लगातार सरकार से मांग करते हुए, डीपीआई से मांग करते हुए, और यहाँ पर अभी तक अतिथि शिक्षक भर्ती का आदेश भी जारी नहीं हुआ है। डीपीआई भोपाल के सामने 19 जून से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर प्रदेश के अतिथि शिक्षक आज तक नहीं सुनी पुकार। एक भी मांग नहीं हुई पूरी। मौन है प्रदेश की मौन सरकार। लंबित प्रमुख मांग, महापंचायत के आदेश और तत्कालिक समस्याओं को लेकर लगातार डीपीआई में सौंप रहे हैं ज्ञापन। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश अध्यक्ष केसी पवार, प्रदेश महासचिव संतोष कहार, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बीएम खान, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश जोशी संयुक्त रूप से बताया कि 19 जून 2024 से लगातार लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के सामने प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक संकेतिक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं, किंतु आज दिनांक तक धरने के 28वें दिन भी अतिथि शिक्षक की प्रमुख लंबित मांग, अनुभव के आधार पर विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर नियमित शिक्षक बनाया जाए तथा पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 2 सितंबर 2023 को अतिथि शिक्षक पंचायत में की गई घोषणाओं के समस्त आदेश जारी कराने एवं वर्तमान समस्या सहित अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन संकेतिक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चलने का आज 28वां दिन है, किंतु आज दिनांक तक इन अतिथि शिक्षकों की उपरोक्त मांगों में से कोई भी पूरी नहीं हुई है, जिसमें श्योपुर आगर मालवा जिले के सैकड़ों अतिथि शिक्षक ने संकेतिक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपनी विभिन्न मांगों शासन प्रशासन तक पहुंचाया। और इस अवसर पर श्योपुर जिला कार्यकारी जिलाध्यक्ष भारत सिंह जाट, गणेश मीना, रामस्वरूप सुमन, महेंद्र सिंह, अरविंद धाकड़, विजेंद्र कोटिया, अशोक जिले के आगर मालवा जिले के जिलाध्यक्ष जगदीश जांगी, जीवन कुमार पाटीदार, संतोष चौधरी, प्रकाश सूर्यवंशी, राम गोपाल और समस्त अतिथि शिक्षक 28वें दिन भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। आखिर कब होगा आदेश? क्या आदेश जारी नहीं करेगा डीपीआई? क्या अतिथि शिक्षकों की भर्ती करना नहीं चाहता, नियमित शिक्षक लाना चाहता है? तो फिर ताले लग रहे हैं स्कूलों में, जल्द से जल्द कुछ होना चाहिए। भाइयों, फिर आ रहा हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी को जय श्री राम।